बाड़मेर पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल चार नाबालिग अपराधियों के फरार होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ये चारों नाबालिग अपराधी चोरी समेत कई मामलों में पकड़े गए थे। बाड़मेर पुलिस ने चार नाबालिग अपराधियों को चोरी और अन्य गंभीर अपराधों में पकड़ा था और कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार राजकीय अंबेडकर छात्रावास चोहटन रोड पर उन्हें क्वारंटीन किया गया था। लेकिन शुक्रवार देर रात मौका पाकर पकड़े गए ये बाल अपचारी किशोर छात्रावास की जाली तोड़कर वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद बाड़मेर पुलिस की कई टीमें जिले भर में नाकेबंदी करवाकर इन बाल अपचारियों को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। इनके संभावित ठिकानों पर पुलिस के अधिकारी और जवान तलाशी कर रहे हैं। ये संप्रेषण गृह से जो क्वारंटाइन सेंटर अम्बेडकर छात्रावास बना हुआ है, तो पौने छः बजे क्वारंटाइन सेंटर से गार्ड आया कि चार लड़के रात्रि में कमरे की जाली तोड़कर भागे, जिस पर मैं हेड कॉन्स्टेबल है थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे तो मौका देखा। श्रीमान सीओ साहब भी मौके पर पधार गए थे। मौका देखा तो कमरे की जाली टूटी हुई थी और संप्रेषण गृह क्वारंटाइन सेंटर वालों से पूछने पर चार नाबालिग लड़के जो निरुद्ध किए हुए थे विभिन्न प्रकरणों में, जिसमें तीन चौटन थाना प्रकरण थाना क्षेत्र के प्रकरण में और एक कोतवाली के प्रकरण में था, वो चारों उस जाली तोड़कर खिड़की में से भाग गए थे। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच में भी जुटी है कि आखिर क्वारंटीन सेंटर की सुरक्षा में लगे कर्मचारी उस वक्त कहां थे और इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो गई, जिसके चलते पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। फिलहाल इन फरार नाबालिग अपराधियों की तलाश लगातार की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाड़मेर से दुर्गा सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट।